हेलो गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम टू टेस्ट बुक बैंकिंग कैसे हो आप सब लोग येस गाइज तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन को लास्ट uh, वीक में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर की थी विल ट्राई टू टॉक अबाउट दोज न्यूज़ थ्रू एमसीक्यूज सी जिसके ऊपर बात करेंगे वन सेकंड गुड मॉर्निंग टू ऑल यस गाइज जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक like कर दीजिएगा uh, <coughs> स्टार्ट करेंगे सेशन को कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे आ, भी आपके साथ शेयर किया था एनीवेज सबको पता ही चल गया होगा दैट नीरज चोपड़ा गॉट द सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप सो so, इंडिया के सेकंड प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर इंडिया के लिए मेडल लाया हुआ है इसके पहले अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी हमारे देश के लिए एंड इज द फर्स्ट मेल एंड द सेकंड ओवरऑल एथलीट ऑफ इंडिया हु गॉट द मेडल सिल्वर मेडल इनके पास है यस 88.13 मीटर का इनका जैवलिन थ्रो रहा है एंड इन विच ही गॉट द मेडल सो आर मल्टीपल क्वेश्चंस विल बी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट ये चैंपियनशिप मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपको कि ये चैंपियन चैंपियनशिप यूएस में खेली जा रही है यूएस में ओरेगॉन इज द नेम ऑफ द प्लेस जहां पे ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है एंड ही गॉट द सिल्वर मेडल सो यस मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू टू नीरज चोपड़ा एंड द इंडिया नो डाउट अबाउट दैट आगे बढ़ेंगे बात करेंगे हमारी आ, आज के आ, रिवीजन सेशन के ऊपर पर रिवीजन सेशन पे जाने से पहले कुछ और न्यूज भी हमें कवर करनी है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है पर अगेन वहां जाने से पहले गाइस सुपर कोचिंग स्टार्ट हो चुका है सुपर कोचिंग में एनरोल करने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हो सुपर कोचिंग आपकी अलग अलग रहेगी जैसे बैंकिंग के लिए भी सुपर कोचिंग है फॉर यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी रेलवे डिफेंस के लिए भी स्टार्ट हो चुका है तो आपको किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करना होगा तो यू कैन यूज कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट याद रखेगा मल्टीपल फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा तो किसी एक कोर्स में नहीं यू कैन टेक द मल्टीपल कोर्स ऑफ द सर्टन फील्ड तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू चलो गाइज मैं आगे बढ़ता हूं जैसे मैं सुपर कोचिंग की बात करता हूं बैंकिंग सुपर कोचिंग की बात करेंगे तो 20 प्लस वीडियो कोर्सेस अवेलेबल है 15 प्लस सुपर टीचर्स है अवेलेबल रहेगी और स्टडी नोट्स एज वेल एज डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपके लिए ऑर्गेनाइज uh, किए जाएंगे तो डोंट मिस द चांस टू एनरोल इन द सुपर कोचिंग एंड डोंट फॉर्गेट टू यूज दिस कोड ये कोड यूज करना मत भूलिएगा चलो Yes, एक और बात हमारा साढ़े ग्यारह बजे एक करंट अफेयर्स डेली क्वीज का सेशन होता है तो उस सेशन में भी आप एनरोल कर सकते हो उस सेशन के अंदर जो सबसे बेहतरीन सटीक तरीके से आंसर देगा और जिसके सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा उसे पूरा सुपर कोचिंग का वन ईयर सब्सक्रिप्शन फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट में मिल सकता है तो डोंट मिस द चांस टू गेट टू अटेंड दिस एंड टू गेट एनरोल इन सुपर कोचिंग स गाइज अनदर न्यूज विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू दैट दिस न्यूज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट यस गाइज मजनू का तीला एंड द चांदनी चौक दिस टू एरिया विल बी डेवलप एज अ फूड हब ऑफ इंडिया ऐसा अनाउंसमेंट दिल्ली के सीएम साहब ने किया हुआ है सो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अनाउंस दैट दिस टू प्लेसेस विल बी डेवलप एज अ फूड हब एनी फूड हब बड़े फेमस है Uh, यहां पे यहाँ के खाने पीने की चीजें बड़ी फेमस है एनीवेज, सो so, इसको ऑफिशियली uh,

Uh, आगे बढ़ते बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एल एम एन एल एम सी की बात करते हैं नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कॉरपोरेशन एन एल एम सी का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में किया था नेशनल लैंड मॉनिटाइजेशन कॉरपोरेशन ये इसका फुल फॉर्म है याद रखिएगा इसके हेड की पोजीशन पे इसके इंटरिम हेड की पोजीशन पे रिसेंटली यू कैन सी पर्सन संजय कुमार सर को फिलहाल सीईओ की जॉब पे अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ 150 करोड़ का पेडअप कैपिटल और 5000 हजार करोड़ का ऑथराइज्ड कैपिटल अगर आपको याद होगा इस टॉपिक के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन का बजट या सॉरी उनका पेडअप कैपिटल क्या है तो 150 करोड़ का पेडअप कैपिटल 5000 करोड़ का ऑथोराइज कैपिटल से अथॉरिटी क्रिएट की गई है इसका अनाउंसमेंट बजट में किया गया था और रिसेंटली यहां पर संजय कुमार जैन सर है इनको इंटरिम सीईओ की पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है क्वेश्चन आएगा जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा नेशनल बैंक फॉर बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट

आगे बढ़ेंगे एफ रेसिंग की बात करते हैं फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुआ इस वीकेंड को फ्रेंच जीपी हुआ इस वीकेंड को वेस्टन रेडबुल के प्लेयर है वंस अगेन ही बिकम द विनर ऑफ दिस रेस सो फिलहाल चैंपियनशिप की दौड़ में ये सबसे आगे है यस uh, yes, जो फ्रेंच जीपी उसमें हैमिल्टन साहब सेकंड नंबर पे फ्रॉम द रेड बुल वन दिस रेस सो अनदर इंपोर्टेंट थिंग एफ रेसिंग के ऊपर क्वेश्चंस कई बार आते हैं एग्जाम में इसलिए हमें इसके ऊपर बार बार बात करनी पड़ेगी मैं आगे बढ़ूंगा विल गो टू द नेक्स्ट सॉरी विल गो टू द और टूडेज डिस्कशन आज के डिस्कशन पे जाते हैं और आज के डिस्कशन के अंदर एमसी क्यूज हमें डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाय द वे बारह बजे फाइनेंशियल समाचार के सेशन में आपके साथ मुलाकात होगी वहां पे हम मिलेंगे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली exactly कौन सी कौन सी फाइनेंशियल न्यूज हमारी फिलहाल चल रही है स गाइज स्टार्ट करते हैं सेशन को इनिशिएट करते हैं आज के लेक्चर को वंस अगेन या आगे बढ़ने से बोले एक पॉइंट रहेगा uh, हमारा टेक्स्ट बुक पास टेक्सट बुक पास में भी आप एनरोल कर सकते हो अलग अलग मॉक टेस्ट आपके पास होगी सो वीकेंड का ऑफर है अभी भी आप इसमें एनरोल कर पाओगे थ्री सेवेंटी फाइव में फोर्टीन मंथस का टेक्सट बुक पास आपके पास रहेगा ये कोड यूज करना मत भूलेगा टेक्सट बुक पास फॉर योर मॉक टेस्ट तो अभी नाबार्ड की आर आरबीएस की एग्जाम आ रही है मॉक टेस्ट से आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉग कर सकते हो सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोर्स याद रखिएगा चलो तो स्टार्ट करते हैं यस गाइज रेडी है सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आर यू पीपल रेडी शाल वी स्टार्ट सेशन काजल जी यू आर गेटिंग कंप्लीटली रॉन्ग पेडअप कैपिटल एंड ऑथोराइज कैपिटल इज कंप्लीटली डिफरेंट दोनों चीजें अलग अलग होती है पेडअप कैपिटल मीज इनिशियल कैपिटल थ्रू विच वी आर क्रिएटिंग सम इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज कैपिटल हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दैट इंस्टीट्यूशन कैन रेज इन द फ्यूचर सो अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है पेडअप कैपिटल का मतलब अलग होता है मतलब अलग होता है गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज पेडअप कैपिटल इज द इंस्टीट्यूशन एंड ऑथोराइज कैपिटल दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दैट इंस्टीट्यूशन कैन रेज इन फ्यूचर इज द लिमिट फॉर देम सो दैट इज ऑथोराइज कैपिटल प्लीज ध्यान रखिएगा गड़बड़ मत कीजिए चलो स्टार्ट करते हैं सर yes, चलो आंसर कर दो

कारपोरेशन ऐसा नाम कुछ जगहों पर लिखा हुआ है पर बजट में जो नाम लिखा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया गूगल पे क्या लिखा हुआ है या किसी न्यूज चैनल ने क्या बताया आई डोंट केयर राइट नाउ अबाउट दैट सो व्हाट इज द बजट डॉक्यूमेंट आई विल फॉलो दैट सो एन एल एम सी लैंड मोनिराइजेशन कॉर्पोरेशन वॉज मैं बजट दिस नेॉज मैं इन द बजट सो इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू चेंज द नेम इट विल ऑब्वियसली इट कैन चेंज द नेम दे कैन चेंज द नेम सो दे नोटिफाई अकॉर्डिंगली इन समूगल डॉक्यूमेंट इन सम मीडिया चैनलेंट कार बजट दैट पॉइंट आई हैल डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे ना किसी गूगल के डॉक्यूमेंट को बस यही मेरी आपसे गुजारिश है इनवेज में आगे बताऊ यूके की बात करेंगे यस यूके डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के सेक्रेटरी जेम्स बॉलर इनके साथ टाइप हुआ एमओयू हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन छोड़ के बाकी सारी जितनी डिग्रियाज है जितने सर्टिफिकेट्स है वो दोनों कंट्रीज में एक्सेप्ट किए जाएंगे या रिकॉग्नाइज किए जाएंगे एक्सेप्ट द प्रोफेशनल एजुकेशन वो छोड़ के ऐसा यूके द्वारा मेंशन किया गया बोरिस जॉनसन साहब ने रिसेंटली रेजिग्नेशन देने की बात की है पर उनका रेजिग्नेशन एक्चुअली मंथ ऑफ सितंबर के बाद वो फाइनल रिजाइन करेंगे क्योंकि अभी उनके कंट्री में प्रोसेस चल रही है नेक्स्ट पीएम को चूज करने की तो अभी भी बोरिस जॉनसन साहब ही पीएम है बट सून ही इज नॉट गोइंग टू हैंडल द पोजिशन के देखते कौन बनेगा बिकॉज uh, uh, अभी भी uh, थोड़ा सा कंफ्यूजन uh, चल रहा है उनके पार्टी के अंदर बट एनीवेज विल नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ आगे बढ़ते हैं यस yes, गाइस स्टेट गवर्नमेंट हेज डिसाइडेड टू अपॉइंट दसल्टेंट फॉर ब्रिंगिंग द स्टेट इकोनॉमी टू यूएसडी वन ट्रिलियन मार्क डिलॉइट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू लंडन लंडन से बिलोंग करती है इंडिया के अंदर भी इनका ऑफिस है सो इसके साथ रिसेंटली कौन से स्टेट का टाइप हुआ सो दट दे कैन रेज वन ट्रिलियन इकोनॉमिकल स्टेटस तो so, इसी स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि जब यहां पे बिजनेस कॉन्फ्रेंस होगी तो दे आर गोइंग टू रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आंसर इज यूपी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे Guys, एक एक पॉइंट पे याद रखना की बात करेंगे तो दिस इज अ यूके यूके है ये एक और रीजन से चर्चा में चल रही थी जो हमारे एल ने अभी शेयर मार्केट में लाए आईपीओ मार्केट में लाए तो उसके पहले इन्होंने एल आई को हेल्प किया था किस तरीके से मार्केट में शेयर लाने चाहिए किस तरीके से अपने आप को लिस्ट करना चाहिए तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फिनेंशियल फर्म है कुछ चीजों में रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करती है तो इनको अलग अलग लोग हायर कर सकते हैं तो यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनके साथ टाइप किया कि हमें बताइए किस तरीके से इकोनॉमी को वन ट्रिलियन मार्क तक लेके जाए सो दे आर गोइंग टू हेल्प यूपी गवर्नमेंट एक पॉइंट यहां पर याद रखना एंड दिस कंपनी वॉज ऑल्सो हेल्प एल

जो पैसेंजर ड्रोन किया उसका नाम पूछा गया है इस ड्रोन की भी जानकारी हम लोग लेंगे इस ड्रोन के ऊपर भी हमारा डिस्कशन होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री का एक कॉन्क्लेव चल रहा था एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसी वक्त में मोदी साहब ने इसे लॉन्च किया आंसर इज वरुणा वरुणा इज द आंसर ऑफ दिस आँस पॉइंट देखिए जैसे आपको बता स्वावलंबन नाम का एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री यहां पे इन्वॉल्व थी नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यहां पे इन्वॉल्व था तो इनके द्वारा आ, ये वरुणा को लॉन्च किया गया वरुणा का फिलहाल बैठ तो के, के उड़ सकता है।, इसके लैंड, आ, उसका लैंड हमारे पास है बहुत जल्दी इसके सी के भी ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे सी ट्रायल्स भी इसके करवाने वाले हैं तो फिलहाल लैंड के ट्रायल्स चल रहे सी ट्रायल्स रहेंगे ट्वेंटी ट्रायल रहे किलोमीटर तक का इसका रेंज है वन किलोग्राम तक का पेलोड ये उठा सकता है एंड ट्वेंटी फाइव टू थर्ट थर्टी थर्टी थ्री मिनट तक का इसका पूरा कैपेसिटी है तो ये भी पॉइंट मेंशन किया गया है तो यहां पे कुछ नंबर है नंबर really uh, एक दूसरा है एक तीसरा नंबर है तो ये तीन नंबर थोड़े आपके लिए काम के रहेंगे फिलहाल इसका लैंड ट्रायल हुआ है और बहुत जल्दी इसका सी ट्रायल भी uh, किया जाएगा ऐसा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है ध्यान रखिएगा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट हर घर जल्द सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री यस गाइस Yes, uh, बहरानपुर की बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर है एंड बिकम घर जल जीवन मिशन की बात की जाए तो हर घर जल हमारे पास है 2024 तक हमें हर घर तक फंक्शनल टैप वॉटर कनेक्शन इंप्लीमेंट करने हैं गोवा तेलंगाना हरियाणा अंदमान निकोबार दादरा नगर हवेली दमन दीव पुदुचेरी दीज आर द्लेसेस जहां पे हंड्रेड टैप वाटर कवरेज हो चुका है फंक्शनल टैप वाटर कवरेज हो चुका है वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट तो जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब मिनिस्टर है उनके मिनिस्ट्री के अंदर इस योजना को 2019 से हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं और 2024 तक हमें हर घर तक वह फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं वी ऑलरेडी टॉकड अबाउट दैट इस साल के बजट में 60 हजार करोड़ गवर्नमेंट ने निकाल के रखे हैं फॉर द पर्टिकुलर स्कीम सिक्सटी थाउजेंड करोड़ केप्ट असाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस इयर बजट ये मेन पॉइंट रहेगा दूसरा पॉइंट 2024 तक इस योजना को इंप्लीमेंट करना है 19 में योजना का स्टार्ट हुआ था एंड दीज आर द स्टेट एंड यूटीज कवरेज याद रखेगा और यह पहला सर्टिफाइड uh, डिस्ट्रिक्ट uh, है इन द कंट्री आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट यस इंडिया इन विच कंट्री हैव एग्रीड डिफेक्टिवली इंप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान काफी बार चर्चा में चलता है तो ऑब्वियसली इंडिया के नेबरिंग कंट्री की बात होगी इस नेबरिंग कंट्री से काफी सारे लोग अवैध तरीके से इंडिया में आते हैं ओके okay. या से वर्षा सो so, काफी प्रॉब्लम होती है इस कंट्री के साथ बॉर्डर को मैनेज करने के लिए इनक्लेव uh, काफी सारे हैं इन दो कंट्रीज के बीच में uh, और आंसर यहां पे है दोस्तों बांग्लादेश की बात की जाएगी देखिए चाइना भूटान पाकिस्तान इवन नेपाल बॉर्डर आर काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद बांग्लादेश बॉर्डर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड काफी कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है कुछ एनक्लोव हमारे बांग्लादेश के अंदर है और कुछ बांग्लादेशी एनक्लोव इंडिया के अंदर भी पाए जाते हैं तो पोरस बॉर्डर है काफी अवैध तरीके से आना जाना चलता है के फिर भी बॉर्डर बॉर्डर को प्रॉब्लम सॉल्व करने uh, बांग्लादेश शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर है ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी वॉज रिसेंटली अनाउंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू प्रोवाइड जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन द इंडस्ट्रीज ऐसा ही लोकल्स को जॉब प्रोवाइड करने के लिए लास्ट टाइम हरियाणा ने बात की थी पर वहां पे थोड़ा इश्यू हो गया स्टिल हरियाणा की भी पॉलिसी थी कि लोकल्स को जॉब प्रोवाइड किए जाए यहां पे इस स्टेट ने भी एक पॉलिसी बनाई है बट दे डिट प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ सम काइंड कोई परसेंटेज वाला रिजर्वेशन नहीं है माइक्रो इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री मीडियम इंडस्ट्री मेगा इंडस्ट्री हर किसी के लिए कुछ नियम क्रिएट किए हुए हैं कि मिनिमम इतने लोकल लोग आपको अपने इंडस्ट्री में हायर करने पड़ेंगे या उनके लिए जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे तो रिसेंटली दिस कंसर्ट वॉज क्रिएटेड बाय कर्नाटका टका क्रिएटेड दिस कंसर्ट बसवराज बोमाई सर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है इनकी गवर्नमेंट द्वारा ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी गई पर्पज है कि आ, देखिए माइक्रो इंडस्ट्री या मीडियम इंडस्ट्री की बात की जाए इवन स्मॉल की बात की जाए मिनिमम दस लोकल्स के लिए जॉब क्रिएट कीजिए ऐसा रिसेंट डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है इंडस्ट्रीज के के कैटेगरी हिसाब से यह नंबर और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा यह भी बसवराज बोमाई गवर्नमेंट ने किया है तो एग्जैक्ट परसेंटेज कंपलसरी वाला सीन नहीं है डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और इंक्रीज किया जाएगा यह भी बसवराज बोमाई गवर्नमेंट द्वारा मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट न्यूज विच ऑफ दैस सेल एग्रीमेंट विद गेल इंडिया आसाम गैस कंपनी लिमिटेड टू मॉनिटाइज इट्स अपकमिंग फील्ड एट द खूबल इन नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट सो गेल इंडिया एंड द आसम गैस कंपनी लिमिटेड इनके साथ टाइप किया गया कौन सी कंपनी है अब यस गेल की बात करें uh, 1984 में गेल को क्रिएट किया गया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आसाम गैस कंपनी की अगर बात की जाए तो 1962 में क्रिएट की गई और आंसर यहां पे है यस yes, ओएनजीसी की बात करेंगे यस yes, ओएनजीसी 1956 में ओएनजीसी क्रिएट किया गया ओएनजीसी के हेड कौन है उनका नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और ओएनजीसी विदिशा लिमिटेड इसके भी नए हेड अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए कि ओएनजीसी

हेड राइट नाउ ऑफ ओ एन विदिशा लिमिटेड अगेन गेल इंडिया आसाम गैस कंपनी एंड ओ एनजीसी इन तीनों का यहां पर टाइप हुआ है मनोज जैन सर गेल इंडिया को हा, हैंडल करते हैं इज इन चार्ज ओके राज गुप्ता सर याद रखेगा यस किसी ने सिंह लिखा था आ, तो थोड़ा आप भी चेंज कर दीजिएगा डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड 875 यूएसडी मिलियन फॉर वाटर सैनिटेशन इको टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट फॉर विच कंट्रीज कौन से कौन से कंट्रीज को एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक 875 मिलियन का लोन प्रोवाइड कर रही है वाटर सैनिटेशन इको टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट इन चार पर्पस के लिए ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा तो विच कंपनी कौन सी सॉरी विच कंट्रीज आर देयर ये क्वेश्चन आपके सामने है न्यू डेवलपमेंट बैंक मार्कस ट्रेजो सर न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड है इंचार्ज है पहले केवी कामत सर थे उनके जगह पे भी मार्कस ट्रेजो जो ब्राजील से बिलोंग करते हुए आ गए हैं आंसर इज इंडिया ब्राजील एंड चाइना इन तीन कंट्रीज को ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा वॉटर सैनिटेशन इको टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन ये मेन फोकस है यहां पर यहां पे एक बात डिस्कस करना चाहूंगा इंडिया को कितना पैसा मिल रहा है सो इंडिया इज गेटिंग 79 मिलियन यूएसडी फॉर मेघालय इको टूरिज्म उसके लिए इन्वेस्टमेंट विच फॉस्टर नीडेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेघालय वहां फोकस रहेगा एंड 70 मिलियन वी आर गेटिंग फॉर दी वॉटर बॉडी रिज्यूनेशन प्रोजेक्ट एट द लैम्फल फैट उसके लिए सो सेवेंटी मिलियन एंड दी सेवेंटी नाइन मिलियन मेघालय इज द मेन फोकस राइट ना फॉर द इको टूरिज्म सो इस पर्पज के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यह फंड प्रोवाइड किया जा रहा है देखिए क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हो सकते हैं एक तो इंडिया के कौन से प्रोजेक्ट्स है और कितना पैसा मिल रहा है या फिर एक जो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था कि टोटल कितनी कंट्रीज है जिनको सेम पर्पस के लिए एनडीबी लोन प्रोवाइड कर रही है तो मेरे ख्याल से दोनों एंगल में आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो ठीक है यस एक क्वेश्चन में आपको पूछना चाहूंगा जल्दी बता दीजिएगा एनडीबी के नए मेंबर्स के नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा देखिए वो एनडीबी के नए मेंबर्स है ब्रिक्स के नए मेंबर्स नहीं है ब्रिक्स के अंदर पांच ही कंट्रीज है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स ने बनाई उसके अंदर कुछ नए मेंबर्स किए गए उनका नाम बताइए दोनों में नए दोनों में अलग अलग रहेंगे, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कोई ये सोचता है कि एनडीबी ब्रिक्स का ही तो है तो ये इसके मेंबर बन गए उसके मेंबर बन गए सेम ही तो रहेगा ऐसा नहीं होता है ब्रिक्स इज द मदर इंस्टीट्यूशन उसके लिमिटेड मेंबर्स है एनडीबी के मेंबर्स ओवर द फ्यूचर और बढ़ सकते हैं तो रिसेंटली कौन है उरुग्वे इजिप्त बांग्लादेश की यहां पे बात की है हमारे दोस्तों द्वारा आ, तो यस एब्सोल्युटली राइट सो दीज आर द न्यू मेंबर्स अंडर द एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ने से पहले गाइज डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन टू टेक्स बुक पास थ्री सेवेंटी फाइव में मिल रहा है पी एस पी पास कोड यूज करोगे तो और डिस्काउंट मिलेगा सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इंटू दिस फॉर योर मॉक टेस्ट एंड फॉर योर मॉक प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया फॉरेक्स रिजर्व फेल टू हाउ मेनी यूएसडी बिलियन द लोएस्ट इन ओवर ट्वेंटी फॉरवियसली फिलहाल जिस तरीके से रूपी का वैल्यू नीचे जा रहा था और आरबीआई बहुत सारे एफर्ट लेफर्ट ले रही थी तो फॉरेक्स रिजर्व कम होना जायज था कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज फिलहाल की सिचुएशन में फॉरेक्स रिजर्व ही है जो हमारे रूपी को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं Foreign exchange reserve, foreign currency में maintain करते हैं गोल्ड में स्पेशल ड्रॉइंग राइट मेंटेन करते हैं में और हम आई एम एफ के रिजर्व ट्रेंच मेंटेन करते हैं तो टोटल मिला के फिलहाल अभी फाइव सेवेंटी टू पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर तक का हमारा फॉरिक्स रिजर्व है बट uh, हमने वी ऑलरेडी क्रॉस द सिक्स एटी का मार्क हमने क्रॉस कर लिया था कुछ uh, दिनों पहले बट ठीक है फॉरेक्स रिजर्व कम भी हो गए बट इट इज हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट इंडिया रूपी विच इज राइट नाउ इन इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन एंड दैट इज मैं अगेन फॉरेक्स रिजर्व आर मेंटेन बाई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वी आर मेंटेनिंग फॉरक्स रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फॉरन करेंसी एसेट इन दॉर्म ऑफ गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ एस डी आर एंड इन द फॉर्म ऑफ आई एम एफ रिजर्व ट्रेंच ये पॉइंट याद रखेगा आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट अब वे एक और पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा वन सिक ये नंबर ना एज इट इज नहीं रहता ये नंबर चेंज होते रहता है चलो ये नंबर चेंज होता रहता है इसकी तरफ ध्यान रखिएगा नहीं तो आप एक बार इसको याद कर लोगे और उसी के भरोसे अगर एग्जाम में जाओगे तो दिक्कत हो सकती है ये नंबर चेंज होते रहता है ये क्लियरली बोल देता हूं तो इसलिए इस नंबर को याद करके आगे मत बढ़िएगा थोड़ा ध्यान रखिएगा कब क्या नंबर रहते किस तरीके से नंबर चेंज होते हैं यस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में थोड़े चेंजेस किए गए नरेंद्र बत्रा सर जो इंडिया से बिलोंग करते थे उनका रेजिग्नेशन आने के बाद उनके ऊपर थोड़ी इंक्वायरी चल रही है उनका रेजिग्नेशन के बाद अब यहां पे नए पर्सन को अपॉइंट किया गया है शेफ अहमद सर की बात करेंगे He is being appointed recently as the new acting president of a, uh, uh, international hockey federation ke naye head inko appoint kiya gaya hai Narendra Batra sir India se belong karte the and he was the uh, he was handling the position but due to uh, some uh, domestic inquiries उन्होंने Indian Olympic committee का भी resignation दे दिया plus uh, hockey federation से भी उन्होंने resign कर दिया है। ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं next point की तरफ जाएंगे। दिनेश गुणवर्धने टूक द ओथ एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वेरी सिंपल क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दिनेश गुणवर्धने गुणवर्धन इनके ऊपर हमारी हमारा डिस्कशन भी लास्ट टाइम हुआ था कि जब ये पीएम बन सकते हैं जब इसकी बातचीत हुई थी बड़ा सिंपल सा पॉइंट ऑब्वियसली नाम देख के भी आपको समझ में आया होगा ही बिलोंग्स टू श्रीलंका श्रीलंका के ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं ऑल पार्टी गवर्नमेंट श्रीलंका के अंदर क्रिएट की गई है आ, सो उसी के ये प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट साहब के ऊपर फिलहाल बात नहीं करूंगा बिकॉज एक क्वेश्चन भी डिस्कस करना है सो आई विल गो मूव फॉरवर्ड यस yes, आप लोगों ने सही पॉइंट मेंशन किया रनिल विक्रम सिंह सर की बात करेंगे यस गाइस सो टोक्यो बेस एक अथॉरिटी हमारे पास है कॉल्ड एज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर्स Uh, इसके इंडिया के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव यहां पे इनारासु uh, करुणा सन इनको अपॉइंट किया गया ही बिलोंग्स टू इंडिया ओनली इंडिया से ही बिलोंग करते अदानी पोर्ट्स जो है अदानी पोर्ट्स में ही इज द हेड ऑफ अदानी पोर्ट्स सो so, इन्हीं को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो के अंदर है नाइनटीन uh, में

अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सिक्सटी एट नेशनल फिल्म अवार्ड नॉट करेक्ट ये पॉइंट यहां पे लिखा गया यस yes, गाइस 1954 से नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत की गई है सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ओके देखिए द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है सूर्य फॉर तानाजी अजय देवगन फॉर दी Uh, yes, ये उल्टा कर दीजिए ये पहली बात तो ये उल्टा हो जाएगा दूसरा ये भी गलत है मोस्ट फ्रेंडली स्टेट इज नॉट महाराष्ट्र इज मध्य प्रदेश ये पॉइंट सही है कि ही इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी तो इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सो टू एंड थ्री इज रॉन्ग टू एंड थ्री यहां पर गलत हो जाएंगे ध्यान रखिएगा अच्छे से मूवीज उल्टा उल्टी हो गई है और महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश की बात की जाएगी दैट इज अ सो नॉट करेक्ट वाला पॉइंट था ये ध्यान ठीक है? चलो आ, मैं आगे बढ़ता हूं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया नया कंसेप्ट लॉन्च किया गया है यह कंसेप्ट किसके लिए लॉन्च किया हुआ है बताइएगा फॉर विच काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज ऑफ इंडियन क्रिकेट दिस इज बी लॉन्च कॉल्ड कैटेगरी चलो बताइएगा नितिन मेनन ये नाम मैं आपको हिंड के तौर पे देता हूं नितिन मेनन साहब इसमें सबसे पहले इंक्लूड होते हैं नितिन मेनन इंडिया के बड़े फेमस अंपायर है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को काफी बार अलग अलग आईसीसी टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो अंपायर के लिए ये ए प्लस कैटेगरी लॉन्च की गई है इस कैटेगरी के अंदर अभी फिलहाल दस यस दस लोग आ रहे हैं टेन लोग दस लोग आ रहे हैं नितिन मेनन साहब का नाम सबसे पहले आता है सो so, uh, इनके जो सैलरीज है ये अभी अलग तरीके से तय की जाएगी तो ए प्लस कैटेगरी ये वाला ये ऐसी कैटेगरी वाला कंसेप्ट नॉर्मली प्लेयर्स के लिए होता है प्लेयर्स के लिए कंसेप्ट देखने को मिलता है नाउ अंपायर के लिए भी ये ऐड किया गया है विच विल बी हेल्पफुल फॉर देयर सैलरी पैकेजेस एज वेल एज देर रेमुनोरेशन एज वेल एज देर इंटरनेशनल असाइनमेंट तो यही पॉइंट बीसीसीआई द्वारा अनाउंस किया गया है सौरभ गांगुली सर बीसीसीआई के हेड है इंचार्ज है आगे बढ़ते विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस ल, लीग विल स्टार्ट ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई एट द तालकटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली तीन फेजेस में ये होने वाला है पहली दो फेज दिल्ली के अंदर होगी और लास्ट फेज पटियाला के अंदर होगी फेंसिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं तलवारबाजी की बात की जाएगी महिलाओं की ये टूर्नामेंट है और ये ये ऐसी पहली बार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है तो फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया फेंसिंग टूर्नामेंट एक और चीज ये तीन फेज में होगा पहली दो फेजेस दिल्ली के अंदर है और बाद वाली फेज पटियाला के अंदर है इंडिया की एक बड़ी फेमस प्लेयर यहां पे भी पार्टिसिपेट करेगी जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था पहली बार इंडिया की कोई प्लेयर इस गेम uh, uh, में ओलंपिक्स uh, में गई थी उनका नाम यस yes, भवानी देवी जी की बात करेंगे राइट गाइस right. yes, बहुत बढ़िया वेरी गुड आगे बढ़ते हैं विच डे इज सेलिब्रेटेड नेशनल फ्लैग एडेप्शन डे नेशनल फ्लैग एडेप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब होता है इसका आंसर कर दीजिएगा नेशनल फ्लैग एडेप्शन डे की बात करेंगे अभी हर घर तिरंगा ये कैंपेन चल रहा है तेरह से पंद्रह अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाया जाए ऐसा गवर्नमेंट द्वारा अवेयरनेस या फिर गवर्नमेंट द्वारा उसका प्रमोशन किया जा रहा है क्योंकि पचहत्तर साल हो रहे देश के इंडिपेंडेंस को तो चलो अच्छी बात है नो डाउट अबाउट दैट कि देश के इस सेवेंटी फाइव को सेलिब्रेट करना तो बनता है तो हर घर तिरंगा कैंपेन भी चल रहा है यस गाइस 22th ऑफ जुलाई को नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे होता है 1947 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट uh, असेंबली ने इसे एक्सेप्ट किया था 22nd ऑफ जुलाई 1947 यस yes गाइस जिन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग क्रिएट किया हमारे बड़े फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर uh, पिंगाली वेंकैया साहब की बात करेंगे ही क्रिएटेड इंडियाज फ्लैग एंड In this कोई मैंडेटरी नहीं रहेगा उससे आपका देश प्रेम प्रूव नहीं होता है, पहली बात हो अगर नहीं किसी को नहीं करना है तो नहीं कर सकते पर वो आपके नेशनलिटी पे या आपके देश प्रेम पे क्वेश्चन नहीं रेज करेगा यह भी याद रखना बिकॉज इंडिया में आ, देश प्रेम दिखाने का आ, एक अलग ही सोशल मीडिया वाला तरीका चलता है अभी रिसेंटली आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया उन्होंने हम कई बार कहते कि मीडिया कांगारू कोर्ट चलाती है कांगारू कोर्ट का मतलब है डिरेक्टली कंक्लूजन पे जम्प करना डिरेक्टली कंक्लूजन पे जम्प करना एक प्रोसेस होती है कोर्ट की उसे ना फॉलो करते हुए अब खुद ही कोर्ट बन जाना और उन्होंने सोशल मीडिया को तो बोल दिया कि वो और भी वर्स्ट है तो उसका संभाल के ध्यान रखिएगा ठीक है एनी आगे बढ़ेंगे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व एवरी ईयर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब ऑब्जर्व करते हैं यस यस आंसर इज ट्वेंटी थर्ड ऑफ जुलाई की बात करेंगे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यस नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में स्टार्ट हुई थी एंड इन 1936 हमने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील कर दिया था चेंज करवा दिया था तो पहली ब्रॉडकास्टिंग रेडियो की इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज इन ऑल इंडिया रेडियो काफी बड़ा रोल प्ले किया है

सोर्स ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन एज वेल एज न्यूज सो ये पॉइंट यहां पे याद रखिएगा एक और चीज देखिए बहुत सारे डेज होते हैं बहुत सारे डेज होते हैं जब आप आप जब गूगल करोगे तो हर दिन के बहुत सारे महत्व होते हैं पर एग्जाम के लिए क्या पढ़ना ये समझना बहुत जरूरी है कई बार मैं देखता हूं टी डे कॉफी डे ये अलाना फलाना बहुत सारे डेज स्टूडेंट्स डिस्कस करते रहते हैं इट विल जस्ट वेस्ट यूर टाइम

पढ़ना और याद रखना पॉसिबल नहीं होता है तो हमें स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा बस यही आपके साथ शेयर करना था आगे बढ़ेंगे यस नाउ है साइंड एन एमओयू विद दामोदर वैली कॉरपोरेशन टू एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर एक्सप्लोरिंग एंड सेटिंग द हाइड्रोजन एंड द पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन वेस्ट बेंगाल लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी इसको लेकर आंसर इज एन एच पीसी की बात करेंगे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सो एनएचपीसी यहाँ पे इन्वॉल्व है अभय कुमार सिंह सर इसके हेड है इंचार्ज है और उनका यहाँ पे टाइप हुआ है सो लास्ट टाइम हमारी करंट अफेयर के लेक्चर में इसको रिगार्डिंग बात हुई थी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय नीति आयोग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस के दो लोग इन्वॉल्व है आर डी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज डिक्लाइन फ्रॉम जीरो पॉइंट एट ऑफ टू हाउ मच परसेंट। आर डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा हो रहा था वो खर्चा कम हो गया ब्राजील अफ्रीका जैसी कंट्री 1.2 1.5 परसेंट ऑफ जीडीपी आरएनडी पे खर्च करती है वेस्टर्न कंट्री लाइक यूएसए इवन द चाइना दे आर स्पेंडिंग मोर देन 3.5 ऑफ देयर जीडीपी ऑन द आरएनडी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना पैसा खर्च करोगे उतना इनोवेशन आपके कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा और इंडिया इज स्पेंडिंग 0.7 परसेंट ओनली ऑन आरएनडी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो यह स्टडी नीति आयुक्त द्वारा दिया गया निती अग्नि ने रिसेंटली एक सर्वे दिया था उस सर्वे के ऊपर भी क्वेश्चन डाला हुआ है तो फिलहाल बात नहीं करूंगा पर उसी सर्वे के अंदर ये डेटा मेंशन किया गया था दैट वी आर ओनली स्पेंडिंग 0.7% एक बात याद रखना इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की तो बात कर ही लेते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक सबसे टॉप में आती है ये हर कोई याद करके जाता है ये हर कोई मग करके जाता है पर क्वेश्चन

रिसेंटली डिजिटल बैंकोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजिम ऑफ इंडिया दिस सर्वे इज गिवन बाई यह सर्वे किसने दिया था यह रिपोर्ट किसने रिलीज किया था डिजिटल बैंकल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजिम ऑफ इंडिया दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय अगेन आंसर इज नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सो अगेन दिस रिपोर्ट इज अगेन गिवन बाय नीति आयोग सुमन बेरी सर याद हो ही गया होगा so, दिस रिपोर्ट और अब इस रिपोर्ट को देखते आरबीआई करती नहीं करती है, नियो बैंक, बैंक नियो बैंक भी हम कहते है तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बात हो रही है आगे और बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले सुपर कोचिंग आपके पास है सुपर कोचिंग में अगर एनरोल करना होगा तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा प्लस uh, uh, साढ़े ग्यारह बजे हमारा एक स्टेशन है करंट अफेयर्स डेली क्वीज का इसके अंदर अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आपको 50 परसेंट डिस्काउंट मिल सकता है हमारे सुपर कोचिंग के वन ईयर सब्सक्रिप्शन के ऊपर ध्यान रखिएगा चलो गाइस आपका फेवरेट क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन सो विच स्टेट इज एट द टॉप ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एवरी वन नोज अबाउट दिस वैसे सबको पता होगा अच्छे से आंसर इज कर्नाटका देखिए माई प्रायोरिटी इज नॉट डिस्कसिंग दिस माई प्रायोरिटी इज अबाउट दिस दिस इज द प्रायरिटी एक्चुअली आई हैव दिस प्रायोरिटी आई डोंट नो अबाउट यू पीपल बट यू शुड ऑल्सो पे ये इंडेक्स दिया जाता है इस बेसिस पे आता है इसके अंदर 66, 66 इंडिकेटर्स है ये सबको याद हो गया है

देन uh, बात करेंगे मणिपुर छोटे स्टेट्स की बात करें तो मणिपुर सबसे टॉप में है सिटीज और यूटीज की बात करें तो चंडीगढ़ सबसे टॉप में आता है दिल्ली सेकंड नंबर पे वहां पे मणिपुर एंड उत्तराखंड बड़े स्टेट्स में कर्नाटका तेलंगाना हरियाणा एंड महाराष्ट्र तमिलनाडु दिज आर द टॉप फाइव स्टेट्स वी हैवके गाइज अगेन प्लीज यहां पे ध्यान रखेगा ये आपके लिए बहुत मैटर करेगा इसके अंदर फिर सब इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा आंसर कर दीजिए इस दोनों के फुल फॉर्म अगर पता है तो शायद आंसर जल्दी आ सकता है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विथ वी एल टी डी विथ ईआर चलो काम करते आ, आंसर तो हिमाचल प्रदेश है पर मेन पॉइंट रहेगा वी एल टी डी वेहीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस कॉल्ड एज अ वीएल It should be linked with the emergency response support system. अब हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जैसे एरियाज में कई बार लैंडस्लाइड होती है कई बार आपदा आ जाती है तो ऐसे वक्त में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम या डिवाइसेस जिन व्हीकल्स में होंगे जिन कमर्शियल व्हीकल्स में होंगे उनको इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ लिंक किया जाएगा सपोज कोई व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम हो गई कहीं पे लैंडस्लाइड के वजह से कोई व्हीकल अगर खाई में गिर गई कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसके द्वारा चेक किया जा सकता है इसके द्वारा तुरंत उन्हें राहत मिल सकती है बचाया जा सकता है सो so, बड़ा अच्छा एक आ, आ, है जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया गया सो दिस फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू सच काइंड ऑफ स्टफ सारे इंडिया में यह चीज होना जरूरी है स्पेशली हिमालयन स्टेट्स में इसको एज सुन एज पॉसिबल इंप्लीमेंट करना जरूरी है ध्यान रखिएगा अगेन वी एल टी डी एंड ई आर एस एस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम आगे बढ़ते हैं विच कंट्री एज साइंड एमओयू विथ इंडिया फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन टू एक्सलरेट द कोर्ट डिजिटाइजेशन रिसेंटली जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए किस कंट्री के साथ इंडिया का एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया की नेबरिंग कंट्री है काफी ज्यादा फेमस है टूरिज्म के लिए मेरे ख्याल से आपको आंसर पता ही है नो डाउट अबाउट दैट मॉलदीव्स की बात करेंगे सो मॉलदीव एंड इंडिया हैविंग द एग्रीमेंट फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन वी आर गोइंग टू हेल्प दैम नेक्स्ट yes. क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विच बैंक हेज लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद इज माई ट्रिप टू द्रेवल बेनिफिट विद इंस्टेंट डिस्काउंट एंड द रिवॉर्ड पॉइंट टू कार्ड में चलो गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कौन सी बैंक के साथ यहां पर टाइप किया गया बोर्ड बहुत बहुत देखे होंगे सो इट अ फॉरन बैंक फॉरन प्राइवेट सेक्टर बैंक बेसिकली फ्रॉम द इंग्लैंडी नाइन में इस बैंक को क्रिएट किया गया एंड देर है इज माई ट्रिप इनके साथ ट्राइप है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ये बड़ा बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है इसके बारे में मंथ में एक दो एक दो न्यूज़ तो आपको देखने न्यूज्रेड परसेंट मिलती है ध्यान रखिएगा चलो अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक व्हाट विल बी इंडिया जीडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इंडिया के जीडीपी को सेवन पॉइंट फाइव परसेंट से कम कर दिया है रेड्यूस कर दिया है सो व्हाट विल बी इंडिया जीडीपी

होल टाइम मेंबर की पोजीशन पे रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया आ, के हेड कौन है उनका भी नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि और फिलहाल जयंती प्रसाद सर है इनको आईबीबीआई का होल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है ध्यान रखिएगा इंडियन ऑडिट एन अकाउंट से बिलोंग करते खुद ऑफिसर रह चुके हैं यूपीएससी उन्होंने क्रैक करके इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में ज्वाइन किया था तो उसी सर्विसेज से बिलोंग करते हैं। नाउ आईबीबीआई के नए होल टाइम मेंबर है। आईबीबीआई के जो हेड है उनका नाम है रवि मित्तल सर यस एब्सोल्युटली, रवि मित्तल सर की बात करेंगे बहुत बढ़िया दोस्त नेक्स्ट चलो इसका आंसर कर दीजिएगा Which statement is not correct about the President of India, Draupadi Murmu, ma'am? Okay. So, is also wrong. She got 64 of vote. 64 of vote है, 66 नहीं है, 64 66 और कुछ वोट कैंसल भी होते हैं कुछ वोट रिजेक्ट uh, भी हो जाते हैं okay. uh, वो झारखंड की चौदह नहीं पंद्रह से थी okay. 21 तक शी वॉज देंडलिंग दिन सीनारी ओके तो चौदह यहां पर नहीं कहेंगे हम लोग okay. एंड यस नॉट फ्रॉम द झारखंड ऑब्वियसली फ्रॉम द ओडिशा ओडिशा से बिलोंग करते हैं uh, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी सो so ओडिशा से बिलोंग करते तो आंसर इज टू थ्री एंड फोर इज द क्राइटेरिया ध्यान रखेगा पहला स्टेटमेंट सही है बाकी सारे स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाएंगे यस yes.

एंड गवर्नर का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि कौन सीएम है सीएम साहब के हाथों से इस बुक का अनावरण किया गया इस बुक को रिलीज किया गया सो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तराखंड स्टेट जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा पुष्कर सिंह धामी सर की बात करेंगे यस एब्सिलुटली यस 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 बहुत बढ़िया यस वेरी गुड नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं इंडिया एंड विच कंट्री आव साइंड एमओयू विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन के किस कंट्री के साथ टाइप किया है इसका एक हिंट मैं आपको देता हूं इस कंट्री से एक एनिमल इंडिया आने वाला है इस कंट्री से uh,

Uh, यहां से चीतास को इंडिया में लाया जा रहा है साउथ uh, अफ्रीका से भी लाया जाएगा साउथ अफ्रीका से ये लोग बॉर्डर शेयर करते हैं साउथ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है कैपिटल एंड करेंसी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा यस yes, uh, की बात करेंगे बहुत बढ़िया यस डॉलर एंड रैंड दो बोथ करेंसीज़ आर यूज ओवरियर रैंड एज वेल एज डॉलर दोनों यहां पे यूज होता है एंड विंडॉक इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ दिस कंट्री एब्सोल्युटली राइट यस विच स्टेट गवर्नमेंट हेज लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड एज अ स्वनिर्भर नारी टू एम्पावर द इंडिजिनियस वेवर्स इंडिजिनियस वेवर्स जो लोकल वेवर कम्युनिटी की महिला है, उनको एम्पावर uh, uh, करने के लिए यस uh, गाइस yes, स्वनिर्भर नारी ये कंसेप्ट ये स्कीम रिसेंटली स्टेट द्वारा शुरू किया गया कौन से स्टेट ने इसका अनाउंसमेंट किया है आंसर इस आसाम। आसाम की बात करेंगे यस के सीएम और गवर्नर साहब का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा इनके द्वारा स्वनिर्भर नारी अगेन किसके लिए फॉर इंडिजिनियस वेवर्स और लोकल जो महिलाएं हैं वेवर्स है उनको आ, थोड़ा एम्पावर करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया बाय आसाम आसाम के सीएम और गवर्नर साहब का नाम कमेंट सेक्शन में प्लीज डाल दीजिएगा यस yes, जगदीश मुखी सर हेमंत बिस्वा शर्मा सर की बात करेंगे हिसाब से रोटी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन यस The first statement is absolutely right. Okay. Fourth statement is absolutely right. No doubt about that. Okay. India shared rank with China. Wrong. Completely wrong. 189 होनी चाहिए पे गलत है ठीक है देखिए इंडिया सेवन सिक्सटी कंट्रीज में आ, आ, एंट्री कर सकते इंडिया मॉरिटानिया एंड ताज, ताजिकिस्तान चाइना की बात करेंगे बोलिविया एंड चाइना नंबर पे आते हैं बोलीविया एंड चाइना 80 कंट्रीज में एंट्री मिलती है इंडिया रैंक इज 87 सेवन सिक्सटी कंट्रीज में एंट्री मिलती है टोटल 199 199 कंट्रीज को यहाँ पे हेनलीस पासपोर्ट इंडेक्स में चेक करते हैं इंडिया का रैंक तो सही था पर ईयर सॉरी टोटल कंट्रीज वहां पे गलत थी ध्यान रखिएगा ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा सो दैट इज द केस यस गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे मुलाकात होगी साढ़े ग्यारह बजे के सेशन में जहां पे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पर यहां पे जो सबसे टॉप करेगा उसे uh, मौका मिलेगा वन ईयर टेक्स्ट टेक्स्ट बुक का का टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन पाने का तो हमारी मास्टर क्लास का टाइमिंग है साढ़े ग्यारह बजे जो हमारी प्लेटफॉर्म पे होता है साढ़े बारह बजे फिनेंशियल समाचार में मुलाकात होगी वापस एक बार यूट्यूब चैनल पे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा यस गाइस बाय बाय